आज बारी है किसकी हमारे असेसमेंट प्रोसीजर के क्वेश्चनेयर की उम्मीद तो यही करता हूं कि आप लोगों ने क्या करके आए होंगे पढ़ के आए होंगे सो so दैट आज क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा इजी लगे लगेंगे भी इस बात की जिम्मेदारी मेरी राइट right, सर आ जाइए इधर असेसमेंट प्रोसीजर के ऊपर आ जाओ बेटा फटाफट असेसमेंट प्रोसीजर के ऊपर राइट right? क्वेश्चन एयर निकालो क्वेश्चन एयर का थर्ड नंबर का टॉपिक होगा असेसमेंट प्रोसीजर असेसमेंट प्रोसीजर के क्वेश्चन हम लोगों ने कवर करे हुए हैं पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन कवर करे रिसेंटली जितने भी क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक के ऊपर इन क्वेश्चन से रिलेटेड वो कवर करे हुए हैं चलो मालिक स्टार्ट करें आई यू रेडी चलो क्वेश्चन नंबर अगर वन की बात करूं तो ये डीआरपी से रिलेटेड है यहां पे लिखिए रेफर दिस आफ्टर ट्रांसफर प्राइजिंग हमने जो डीआरपी है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल उसको कहाँ कवर किया हुआ है ट्रांसफर प्राइजिंग में कवर किया हुआ है और वहीं वो अच्छे से समझ में आएगा इसके लिए क्वेश्चन नंबर वन को यहाँ पे आप तभी रेफर करेंगे जब आपका एक बार ट्रांसफर प्राइजिंग हो गया इट्स अ मिक्स क्वेश्चन ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर एज वेल एज ट्रांसफर प्राइजिंग इसी के लिए पहले आपको टीपी पढ़ना होगा तो आपको ये क्वेश्चन जमेगा इसको छोड़िए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर टू की अगर बात करें अगेन रेफर दिस आफ्टर ट्रांसफर प्राइजिंग

दो लॉस थे जिसको वो कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहा था एक बिजनेस लॉस दूसरा एस्पेक्ट में लगता है आपको? के में? 139, के बारे में बात चल रही है लॉस रिटर्न लॉस तभी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है कुछ पॉइंट्स याद रखिए अगर रिटर्न फाइल किया है यह रिटर्न के टाइम लिमिट में फाइल किया है तो हम क्या करते हैं लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं कौन से लॉस कैरी फॉरवर्ड होंगे बिजनेस लॉस हर तरह के लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं प्रोवाइडेड रिटर्न अगर प्रॉपर्टी तो दूसरा अनएब्स डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ अनएब्सॉफ्ट डेप्रिसिएशन रिटर्न अगर फाइल नहीं भी किया होगा तो भी लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं यहां तक का प्रोविजन हम लोगों ने पढ़ा है ठीक है अब असेसी ने इन रिस्पॉन्स टू नोटिस असेसी ने इन रिस्पॉन्स टू नोटिस क्या किया रिटर्न फाइल किया है दिस रिटर्न रिटर्न इज टू बी अंडर लेकिन दो लॉसेस वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है एक बिजनेस लॉस दूसरा अनएब्सॉर्ब एप्रीसिएशन क्या मैं कह सकता हूं बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा क्या आंसर इज नो वाई बिकॉज रिटर्न इज नॉट फाइल्ड ऑन टाइम डीमिंग अलग फिक्शन है बट रिटर्न इज नॉट फाइल्ड ऑन टाइम

As per 139.3, any person who has sustained the loss under the head of PGBP is allowed to be carried forward, such loss only if he has filed the return. Only if he has filed the return within time allowed under 139.1. Also, the provision of 80 specifies that a loss which has not been determined as per the return shall not be allowed to be carried forward and set off. Section 72, 73, or 74, 74, A3 however there is no such condition for carry forward of unabsorbed depreciation under section 32 in the given case assessee has filed its return of loss in response to 1421 as per the provision stated above the return filed in response to 1421 is a belated return and therefore the benefit of carry forward of business loss shall not be available so carry forward of business loss shall not be available से बताइए yes. सभी बच्चों को मैं बता दूं हमारा लाइव स्ट्रीम चालू हो रहा है इलेवेंथ ऑफ जनवरी से राइट जो बच्चा चाहता है कि भैया उसको एक सेट डिसिप्लिन के अंदर में पढ़ना है वो लाइव स्ट्रीम के अंदर में आ सकता है आप में से कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा तो इफ यू विश आप लाइव स्ट्रीम के अंदर में आ सकते हैं ये सुनो चलिए सर क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करूं तो इसको लिखिए डू इट आफ्टर सर्च एंड सीजर यहां लिख दीजिए डू इट आफ्टर सर्च एंड सीजर यह असेसमेंट का और सर्च का एक कंबाइंड क्वेश्चन है तो इसे यहां पे छोड़ दीजिए सर जब कंप्लीट करेंगे उसके बाद आएंगे वहां यह कंप्लीट कर लेंगे आते क्वेश्चन नंबर फाइव के ऊपर टीचवेल well एजुकेशन ऐसा प्रॉब्लम है जो आपके मॉड्यूल के अंदर में भी कवर्ड है इट एज ऑल्सो बी आज द पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन टीच वेल एजुकेशन एज अ ट्रस्ट अप्रूव अंडर सेक्शन टेन ट्वेंटी थ्री सी विच रन वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असमेंट अंडर वन फोर्टी थ्री थ्री

He will do the assessment only after giving the exemption under section 10. However, he will not give the exemption under section 10 if he thinks that the conditions are not satisfied. And he has intimated the same to the central government. And central government, if withdrawn the approval, he can what? He can do the assessment without section 10. Hence, the AO want to pass an order without giving exemption under section 10, which the assessee objects. You are required to examine the following with respect to the provision of the Act: whether the AO can pass an order without giving the exemption under Section 10. Generally, its answer is no. AO cannot pass an order without giving exemption under Section 10. However, if he has intimated to the central government what are the defaults and an withdrawal provision is provided by the central government, he may do so. Can the AO get additional time limit in completing this assessment? Yes.

टू देंट्रल गवर्नमेंट एंड द अप्रूवल इज विड्रॉन इस केस में वो क्या कर सकता है बिल्कुल कर सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है फर्दर एज पर एक्सप्लेनेशन वन टू वन फिफ्टी थ्री इन केस ऑफ एओ इंटीमेट द कॉन्ट्रावेंशन टू द गवर्नमेंट और प्रिस्क्राइब अथॉरिटी फॉर कमेंसिंग द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द एओ देन सच पीरियड शेल बी एक्सक्लूडेड फॉर कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर कंप्लीटिंग दसेसमेंट फर्दर इन केस ऑफ टाइम लिमिट अवेलेबल टू द एओ फॉर पासिंग एन असेसमेंट इज लेस देन 60 डेज द रिमेनिंग पीरियड शेल डीम टू हैव बीन एक्सटेंडेड बाय 60 डेज अब ये क्या प्रोविजन है ये एक ऐसा प्रोविजन है जो आप आगे, आगे आपको दिखेगा

The regular assessment of MNO Limited. Oh my God! It is again a module question as well as past examination question. The regular assessment of MNO Limited for the assessment year 1920 was completed on 13th March 2021. There was an audit objection by the revenue audit team. Audit objection by the revenue audit team that interest on loan should be disallowed partly as there was diversion of borrowed fund to the sister concerned without charge of interest. तो सर हुआ ये कि एक असेसमेंट हुआ उस असेसमेंट के अंदर में एओ को पता चलता है कि भैया कोई रेवेन्यू ऑडिट ऑब्जेक्शन है ठीक है सर बेस्ड ऑन द अब फैक्ट स्टेट विथ रीजन वेदर द एओ कैन इश्यू नोटिस अंडर वन ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन ऑफ द रेवेन्यू ऑडिट टीम भाई साहब भाई साहब आपको कुछ याद दिला दू मैं सबसे पहले क्या याद दिरा मैं आपको केस लॉ था पे कि ऑडिट ऑब्जेक्शन नॉट अ रीजन टू बिलीव फॉर ओपनिंग 148 क्या तुम्हें याद है रीजन टू बिलीव तीन हो सकते हैं हाई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ और एनी प्रूफ ऑडिट ऑब्जेक्शन इज नॉट अ प्रूफ टू ओपन वन सो पहले सवाल का जवाब क्या आ जाएगा दैट 148 का हमें रेफरेंस देना पड़ेगा 147 का रेफरेंस देना पड़ेगा और कहना पड़ेगा ऑडिट ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रीजन टू बिलीव अगर केस लॉ का नाम याद आता है तो केस लॉ का नाम आप लिख सकते हैं बट अगर केस लॉ का नाम याद नहीं आता है तो लिख दीजिए एज पर द वेरी फेमस जजमेंट एज पर वन ऑफ द जजमेंट दोनों में से कोई भी बात आप लिख सकते हो एज पर दिरी फेमस जजमेंट एज पर वन ऑफ द जजमेंट जो वर्ड आपको सही लगता है ये वर्ड आप लिख सकते हो देखिए इतने सारे सेक्शन है और इतने सारे केस लॉज है बिल्कुल ऐसी एक्टिविटी मत कीजिए जो आपके यहाँ टाइम वेस्ट करेगी ठीक है दूसरा क्वेश्चन इफ द एक्शन ऑफ वन इज नॉट परमिटेड लो वैसे जवाब आ गया वॉट इज द ऑप्शन ओपन टू द रेवेन्यू डिपार्टमेंट टू डील विद द ऑडिट ऑब्जेक्शन देखिए कई बार अगर डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि ऑडिट ऑब्जेक्शन से 147 ओपन नहीं हो सकता तो 147 का एक सीधा सीधा तोड़ मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकल लाइफ का भी यही तोड़ है 263 रिवीजन बाय डिपार्टमेंट अगर कभी भी डिपार्टमेंट के पास 147 का ऑप्शन ना रहे तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी उनके पास एक ऑप्शन होता है वो अपने हायर अथॉरिटी के पास जाते हैं है, और उनको बोलते हैं रिवीजन ओपन करो रिवीजन आखिर क्या पावर होता है खैर ये चैप्टर अभी हम पढ़ेंगे रिविजन के तहत कमिश्नर अगर एओ ने कोई ऑर्डर पास किया है और ये ऑर्डर उसे एरोनियस लग रहा है तो वो क्या कर सकता है रिवाइज कर सकता है क्या कर सकता है जल्दी बोलो रिवाइज कर सकता है तो ये एक बेनिफिट है आइए एज पर सेक्शन 147 फोर्टी सेवन स्टेट दैट इफ एओ हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैजेप्ड असेसमेंट फॉर एनी असमेंट इसेस और रीअसेस सच इनकम एंड ऑल्सो एनी अदर इनकम चार्जेबल टू टैक्स विच हैजेप्ड असेसमेंट The AO should therefore have a reason to believe. AO should have a reason to believe that income has escaped assessment. The belief should be of that of AO and not of a revenue audit team. Further, Income Tax Act do not confer jurisdiction to the AO to change his opinion on the interpretation of a particular provision earlier adopted by him. If the issue has already been considered earlier during the scrutiny assessment. And AO had come to a conclusion that no disallowance of interest paid by SSC is required even though loan has been given to system concern without any interest, the same issue cannot be the basis for reassessment. As per Supreme Court versus ICICI Security Primary Dealership, reopening of assessment by AO on the ground of change in opinion is not valid therefore, the ao cannot issue notice 148 solely on the basis of audit objection of the revenue audit team. audit objection of the revenue audit team. if the ao has acted only under the compulsion of audit party and not independently, the action would be invalid. the option open to the revenue initiation proceeding under section 263 by jurisdictional commissioner he has the power to call and examine the records if he is of the opinion that the order passed by ao is erroneous insofar as prejudicial to the interest of revenue however where conclusion has considered where the ao has considered the issue in original assessment and came to conclusion that no disallowance is called for commissioner cannot initiate revisionary proceeding merely because he hold a different view

डे सर आगे आइए क्वेश्चन नंबर सेवन के ऊपर चलते हैं शशांक रिसीव्ड अ नोटिस अंडर 148 फोर्टी एट फ्रॉम द असेसिंग ऑफिसर फॉर द असमेंट इवेंटीन एटीन ऑन द ग्राउंड दैट डेप्रिसिएशन ऑन सर्टन असेट वॉज अलाउड इन एक्सेस ठीक है तो एओ ने 148 का नोटिस भेजा शशांक को यह कहते हुए कि भैया तुम्हारा जो डेप्रिसिएशन है ये तुमने एक्सेस में क्लेम किया है द एओ रिकॉर्डेड द रीजन फॉर रीओपनिंग ओरिजिनलेंट वॉज कंप्लीटेडी थ्री थ्री ठीक है सर मतलब इसके पहले असेसमेंट हो चुकी है इन कोर्स ऑफ रीअमेंट प्रोसीडिंग दैज डिस अंडर फोर्टीन ए इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस परपर्टेड टू बी इन रिलेशन ऑफ डिविडेंट फ्रॉम कंपनीज एंड टैक्स फ्री इंटरेस्ट ठीक है तो एओ ने कुछ डिसलाउट किया है सर्टन सम फोर्टीन ए के अंदर में हाउ एवर एओ डिट रिकॉर्ड द रीजन फॉर अप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ वन फोर्टी सेवन इन रेस्पेक्ट ऑफ द इश्यू ऑफ डिसअलाउंस अंडर फोर्टीन ए एंड पास द ऑर्डर डिस अलाउंग द एक्सेस डेप्रिसिएशन एंड सर्टन सम अंडर फोर्टीन ए कंटेंटेड दैट द एओ नॉट मेक अ डिसअलाउंस सिंस द सेम वॉज नॉट अ रीजन फॉर रीओपनिंग द असेसमेंट डिस्कस द करेक्टनेस ऑफ शशांक कंटेंशन एक मिनट जिसको ये केस नहीं समझ में आया मैं आपको बताता हूँ केस बड़ा सिंपल है राइट right? हुआ क्या एक्सेसिव डेप्रिसिएशन के कारण शशांक को 148 का नोटिस भेजा गया और 147 में रीओपनिंग की डिमांड की गई बराबर है फिर जैसे ही असेसमेंट ओपन हुआ एओ ने क्या किया कुछ और एक्सपेंसेस को क्या कर दिया डिसअलाउ कर दिया जिसका मेंशन 148 के अंदर में नहीं था अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई चीज 148 के अंदर में मेंशन नहीं है पर 147 के अंदर में उसका एडजस्टमेंट किया जा सकता है क्या हमने कल ही इसका जवाब देख लिया था और आंसर आया था यस ये कर सकते हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन थ्री टू सेक्शन 147 कह रहा था एओ कैन आल्सो असेस और ऑल्सो सच इनकम कम्स टू हिज नोटिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग इवन दो इट इज नॉट मेंशन अंडर 148 भले ही वो 148 में मेंशन नहीं भी है तो भी एओ असेसमेंट करते वक्त ये काम कर सकता है क्या जवाब आना चाहिए आंसर इज यस ये यस yes होगा क्या लिखना होगा एक्सप्लेनेशन थ्री टू वन फोर्टी सेवन इसका आंसर है स्ट्रेट अवे डन प्रभु चेक कीजिएगा एक्सप्लेनेशन थ्री टू वन फोर्टी सेवन असेस और रीअसेस द इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इशू विच कम्स टू हिज नोटिस सब्सिक्वेंटली इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग विच कम्स टू हिज नोटिस सब्सिक्वेंटली इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग इवन दो द रीजन फॉर सच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ रीजन अंडर सेक्शन 148 therefore in the instance case the ao has power to disallow the expenses in addition to disallowance of depreciation even though the reason for the issue relating to disallowance was not recorded under 148 hence the contention of sasank is not correct बहुत हार्ड लग रहा है ऐसा कुछ लग रहा है जो आपने पढ़ा ही नहीं है आप देख सकते हो असेसमेंट्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक के भी हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए तीन क्वेश्चन को छोड़ दो हम सेवन क्वेश्चन करें मतलब चार क्वेश्चन सॉल्व किए आप देख सकते हो वन फोर्टी सेवन वन फोर्टी एट के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं राइट चलिए एट क्वेश्चन मे टू ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है देखिएगा साहब उज 2019 मतलब आप देख सकते हैं क्वेश्चन एयर कितना अपडेटेड है इसको रखा है उतना ईयर 2021 मिस्टर जॉन वाज डायरेक्टेड टू कैरी आउट स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन भाई साहब किसकी बात कर रहे हैं भाई साहब भाई साहब वो बात कर रहे हैं की दोस्त ठीक है विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड ओ हो ये क्या कर दिया विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड एक जवाब तो आपको यही समझ में आ गया कि स्पेशल ऑडिट का जो ऑर्डर है ये वैलिड होगा या इनवैलिड होगा ऑब्वियसली इनवैलिड होगा कैन द एओ कंटेंट दैट कैन द असेसी कंटेंट दैट सिंस रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज नॉट प्रोवाइडेड टू हिम बाय द एओ सच नोटिस रिक्वायरिंग द स्पेशल ऑडिट इज नॉट वैलिड जी हां बिल्कुल ये कर सकता है कल ही हमने 142 फोर्टी टू ए के अंदर में देखा था बिफोर गिविंग एनी सच ऑर्डर अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड मस्ट बी देयर अगर आपने अपॉर्चुनिटी नहीं दी है तो ये ऑर्डर वैलिड नहीं है ये ऑर्डर वैलिड नहीं है सो आंसर वन एस पर वन फोर्टी टू टू एस पर वन फोर्टी टू टू ए दसिंग ऑफिसर शेल नॉट डायरेक्ट द दी टू गेट इज अकाउंट ऑडिटेड अनलेस द दी हैज बीन गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड and therefore assessing accordingly the contention of assessee that notice requiring special audit is not valid since reasonable opportunity of being heard has not been provided to him by the assessing officer is correct so therefore contention of assessee that opportunity is not been provided by the ao is correct question number 2 if the assessee decide to get his account audited what will be the due date by which he has to submit the audit report including the extended time if any allowed to him bataiye agar special audit ka order aaya hai agar special audit ka order aaya bhi hai to bhi maximum kab tak karna hai generally to order mein likha hota hai halanki extended time pakad bhi le तो भी कितना हो सकता है? 180 days kahan se jahan se order aaya tha that is 18 2022 second the maximum period including the extended period if any

इंटेंशनली अगर करता है कि भैया मैं स्पेशल ऑडिट कराऊंगा ही नहीं कितनी पेनल्टी लग सकती है याद करें टू सेवेंटी टू ऑर्डर को न मानने की पेनल्टी कितनी टेन थाउजेंड रुपीज यहां पे लिखना होगा फेलियर टू कंप्लाई विद डेक्शन इशूड विल बी लेविड ठीक है सर फोर्थ फॉर फेलियर टू गेट अकाउंट ऑडिटेड अंडर वन फोर्टी टू टू ए कैन प्रोसिक्यूशन बी लॉन्च अगेन दस एसी इफ येस वॉट विल बी द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट फॉर सच डिफॉल्ट यह तो प्रोसिक्यूशन का पार्ट है जो हमारे को एक चैप्टर में पढ़ना है आंसर इसका यही देख लेते हैं इफ द असैसी विलफुल फेल्स टू कंप्लाई विद डायरेक्शन ऑफ वन फोर्टी टू टू ए ही शैल बी पनिशेबल विद रिगरस इंप्रूवमेंट विच मे बी एक्सटेंड टू वन ईयर एंड फाइन अंडर सेक्शन टू सेवेंटी सिक्स डी ये तो खैर पेनल्टी का मिक्स टॉपिक है कैन एससी अप्रोच सेटलमेंट कमीशन फॉर ग्रांट ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट हिम इफ येस डिस्कस द पावर ऑफ सेटलमेंट कमीशन अब यह क्वेश्चन सेटलमेंट कमीशन के साथ वाला क्वेश्चन है जरा समझते हैं क्या है पहले क्वेश्चन को रीड करो आपस डन सर सेटलमेंट कमीशन क्या है बता देता हूं अभी आप लोग के लिए प्रीमे क्वेश्चन है क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं आप पहली बार पढ़ रहे हैं ठीक है सेटलमेंट कमीशन एक बॉडी बनाई गई है है जो क्या करती इम्यूनिटी देती है पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से पॉइंट टू बी नोटेड सेटलमेंट कमीशन कहीं पे भी आपका टैक्स कम नहीं कर रही है जो आपके ऊपर पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन इफ एनी डिपार्टमेंट लगाएगा इसकी माफी आपको मिल सकती है सेटलमेंट कमीशन से अब दूसरा सवाल पूछ रहा है वो एस अप्रोच सेटलमेंट कमीशन फॉर ग्रांट ऑफ इम्यूनिटी इम्यूनिटी मतलब क्या आपको राहत दी जा सकती है किससे पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से मान लीजिए प्रॉपर कंप्लाइंस नहीं हुआ आप पे पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन लग गई क्या आप सेटलमेंट कमीशन के पास जा सकते हो आंसर आएगा यस सेटलमेंट कमीशन के पास आप कभी भी जा सकते हो पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन के लिए वन सच पावर इज टू ग्रांट पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन इम्यूनिटी इज स्पेशल ऑडिट ऑल्सो तो इसका जवाब आएगा yes. अभी हम सेटलमेंट कमीशन में जाएंगे तो भी देख लेंगे द असेसी कैन अप्रोच द सेटलमेंट कमीशन वर्ड क्या देख रहा है बोलो द असेसी कैन अप्रोच द सेटलमेंट कमीशन फॉर ग्रांट ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन इफ द एडिशनल अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल एक्सीड फिफ्टी लैख वेयर इट इज अ मैटर ऑफ सर्च एंड टेन लैख इन अदर केसेस इफ सेटलमेंट कमीशन इज सैटिस्फाइड दैट द असेसी हैज कोऑपरेटेड विद इट्स कंडक्ट बिफोर इट

एक्स फाइल डिस्कलोजिंग इज इनकम सेवन लाख रुपीज the full tax payable on the declared income is covered by the tax deducted at source, advance tax and self assessment tax. ठीक है भाई तो असेसी ने रिटर्न फाइल किया अपनी इनकम डिस्क्लोज करके सात लाख रुपए उसके साथ साथ फुल टैक्स जो था वो एडवांस टैक्स टीडीएस और सेल्फ असेसमेंट में पे कर दिया द एओ थ्रू ओवर साइड डज नॉट पास एनी ऑर्डर देयर ऑन एंड असेसमेंट बिकेम्स बार्ड बाय द लिमिटेशन असएसी क्लेम्स दैट Since no assessment has been made on him, the entire tax paid by him is refundable. कैसे नादान लोग आ जाते हैं जरा देखिए है? हुआ ये असेसी ने रिटर्न भरा राइट असेसिंग ऑफिसर ने ओवरसाइट किया लेकिन इसके लिए कोई ऑर्डर पास नहीं किया कोई असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं किया असेसी बोलता है कि सिंस मेरे ऊपर कोई असेसमेंट हुआ ही नहीं तो मैंने जितना टैक्स पे किया है ये मुझे रिफंडेबल हो जाएगा बताइए भला ऐसा कभी होता है आंसर इज नो असेसमेंट का और टैक्स पेमेंट का बहुत अलग अलग कनेक्शन है ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है कि असेसमेंट हुआ तो टैक्स पेबल या रिफंड आएगा ही आएगा ये तो एओ के ऊपर डिपेंड करता है असेसमेंट करनी है नहीं करनी उसमें भी अगर उसको सब कुछ सही लगता है तो क्यों ही वो ऑर्डर इशू करेगा और क्यों ही वो रिफंड इशू करेगा अगर उसको लगता है कि हाँ इतना इसका कैलकुलेशन आता है आपने कर दिया आपने पे कर दिया एंड एवरीथिंग इज राइट वाई विल इशू अ ऑर्डर So, ये जो एस एस सी कह रहा है कि फिर जितना पे किया उतना रिफंड हो जाना चाहिए क्या ऐसा होना चाहिए आंसर इज नो वेन एन एस एस सी फाइल इज रिटर्न अंडर वन थर्टी एंड पेज द टैक्स बाई वे ऑफ सेल्फ असेसमेंट क्लेमिंग द अलाउंस ऑफ एडवांस टैक्स टीडीएस इन द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाय हिम देर इज अ क्लियर एडमिशन ऑफ लाइबिलिटी दैट हैज अराइज अंडर द एक्ट टू पे द टैक्स ऑन टोटल इनकम एज इज कंप्यूटेड बाई एस एस सी एंड ड्यूली क्वॉंटिफाइड इन द रिटर्न The procedure of assessment by A or assessing officer is essentially to check the computation of income done by assessee and to find whether the computation made is correct or not. Where the return has been accepted by assessing officer who may not assess the total income, it cannot be said that liability to pay the tax reflected in the return would vanish. Moreover, only three to 5 percent of the cases fall in the scrutiny assessment and all return processed under 1431. Assessment orders are not passed in all cases therefore, claim of the assessee is not valid. हर तरह के रिटर्न नहीं आते हाँ पर अब ये उम्मीद है कि बिल्कुल आ सकते हैं क्योंकि असेसमेंट के केस में जुरिस्डिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जो ऑफिसर्स मान लो इतने बिजी नहीं भी थे उन लोग भी अब क्या कर पाएंगे असेसमेंट कर पाएंगे मोर ओवर असेसमेंट अब मोर सिस्टम ओरिएंटेड होगा तो थ्री टू फाइव परसेंट की जगह मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इन द इनिशियल स्टेजेस ये शायद ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू परसेंट चले जाएगा बिलीव मी ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू परसेंट भी अगर चले जाता है तो भारत के इनकम टैक्स रेवेन्यू के कलेक्शन में बहुत बढ़ोतरी होगी बहुत बढ़ोतरी होगी चलिए सर इलेवेंथ क्वेश्चन आप करें ट्वेल्थ क्वेश्चन आस्ट इन मे टू थाउजेंड सेवन एंड नवंबर टू थाउजेंड एट सिमिलर क्वेश्चन चेक कीजिए साहब क्वेश्चन आप लोगों ने डेफिनेटली रीड कर लिया होगा आर इज एन इंडिविजुअल फाइल इज रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर नाइनटीन ऑन थर्टी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड एटीन ही लेटर ऑन डिस्कवर दैट ही हैज नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर एटीसी इन द सेट रिटर्न क्लेम द सेट डिडक्शन थ्रू लेटर एड्रेस टू एओ हाँ जी साहब एस एस ने क्या किया एस एस ने कोई डिडक्शन पर्टिकुलरली क्लेम नहीं किया बाद में उसको ध्यान में आया ओ माई गॉड मुझे तो डिडक्शन क्लेम करना चाहिए था मैंने तो डिडक्शन क्लेम ही नहीं किया उसने एक लेटर लिखा कि साहब प्लीज प्लीज मुझे डिडक्शन दे दीजिए अब मुझे आप मेरे भाई बताओ क्या डिडक्शन मिलना चाहिए क्या लेटर के थ्रू याद होगा तो एक केस लॉ पड़ा था गॉड्स इंडिया का कि भैया अगर करना भी है कोई चेंज तो रिवाइज रिटर्न फॉलो करना होगा लेटर या स्टेटमेंट के थ्रू कभी भी हम लोग कोई डिडक्शन दे पाएंगे नहीं तो ये लीजिए साहब हो गया फिर तो काम खत्म इन केस ऑफ गॉड्स इंडिया वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हेल्ड दैट केन कैन बी मेड बिफोर एओ इन असेसमेंट प्रोसीडिंग ओनली थ्रू अ रिवाइज रिटर्न एंड नॉट थ्रू अ Letter. Therefore, if the deduction has not claimed in the return and assessee want to claim the set deduction in the assessment proceeding, then he can do so only by filing a revised return. The assessing officer cannot entertain such claim made by assessee through a letter. In the present question, in the view of above, AO was justified in his action. Done, sir. May 1995 ka question. Read it. ड्यूरिंग द वैलिडिटी ऑफ द प्रोसिडिंग इन द फॉलोइंग केसेज बेस्ड ऑन द फैक्ट देर इन एंड असेसी फाइल्ड रिटर्न ऑफ इनकम इन द स्टेटसू एफ बट एओ मेक्स दिन द स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ सच असैसमेंट असेसी वॉज एच एफ बट एओ ड्यूरिंग द असैसमेंट ट्रीटेड इंडिविजुअल और इंडिविजुअल की तरह उसे ट्रीट किया गया बताइए तो वैलिडिटी क्या होगी इस असेसमेंट की आपके मन में पहला जवाब आएगा कि इस असेसमेंट की कोई वैलिडिटी नहीं है क्योंकि वो था एच यू एफ एंड हीज बिन ट्रीटेड एज इंडिविजुअल नॉट वैलिड सवाल ये नहीं है सवाल आपको बहुत सिंपल पूछा है इंडिविजुअल वो एच यू एफ था और उसको इंडिविजुअल बोल करके ट्रीट कर दिया कहीं ये मेंशन नहीं किया कि उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी है या नहीं दी है सवाल एक हाँ अगर उसे अपॉर्चुनिटी दी थी और उसके जवाब में वो सेटिस्फाइड नहीं था तब तो ये वैलिड है पर अगर उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ही नहीं दिया गया तब तो यह बिल्कुल गलत है और फिर यह असेसमेंट वैलिड असेसमेंट नहीं होने वाला एंड असेसमेंट्स नीड नॉट बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन ऑफ स्टेटस मेड बाय एसएससी अ प्रॉपर बाईस ऑर्डर ऑफ असेसमेंट शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल फैक्ट्स सरकमस्टेंसेस एंड ऑन करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ देयर इज नो प्रोविजन इन इनकम टैक्स एक्ट और रूल्स प्रोवाइडिंग दैट where the ao proposes to make the assessment in different status from one which in return was filed a fresh notice should be issued where the ao on the basis of material on record is satisfied that assessment should be made in a different status from then disclosed in the return such assessment cannot be made without giving an appropriate opportunity of being heard therefore in the present case assessment in the chain status shall be valid

टू वन से हम रिटर्न भरवाते हैं इन्फॉर्मेशन लेते हैं जबकि वन फोर्टी थ्री टू में हम आपको स्पेसिफिक डे पे कहीं पे बुलाते हैं 142 के लिए कोई नहीं है, पर के लिए याद आ रहा है आपको? 142 में हम कितने साल की इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं थ्री इयर्स प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर 143.2 में ऐसा कुछ भी नहीं है असेसमेंट करते वक्त हम कोई भी इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं कितने भी साल की मंगा सकते हैं तो ये थे तीन प्राइमरी जो डिफरेंस अराइज होंगे 142-1, 143-2, 142-1. फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम और टू प्रोड्यूस वेरियस अदर इन्फॉर्मेशन सच एज बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर मेकिंग स्क्रूटनी असमेंट नो टाइम लिमिट देर इज अ टाइम लिमिट नंबर ऑफ कितने साल की मंगा सकते हो थ्री यहां पे कितना भी हो सकता है बट मैक्सिमम सिक्स

अब समझ में आ रहा है हम लोगों ने भले ही फास्ट ट्रैक किया पर हम लोगों ने डिटेल के अंदर में डिस्कशन किया फास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन मॉड्यूल के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो इसी तरह के, के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के अंदर में माइंड भी अब आपको इजी भी लग रहा होगा असेसमेंट प्रोसीजर उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है अब तक आप असेसमेंट को कोई लिंक करके नहीं पढ़ते थे कि किसके बाद क्या पढ़ना है ना ही आपके दिमाग में एक पिक्चर था कि पूरा असेसमेंट वर्क कैसे करता है आज आपके दिमाग में एक पिक्चर है पूरा असेसमेंट वर्क कैसे करता है तो आप सोल्यूशन बहुत जल्दी निकाल पा रहे हो इसी वजह से डन सर आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन मे टू थाउजेंड सेवेंटीन चेक इट आउट Done, sir. I.A. D. An individual filed his return erroneously offering for taxation interest received from notified relief bond, which are exempt under section 10, subsection 15. The AO completed the assessment accepting the income returned by D. D has furnished complete particulars relating to interest income in the return of income. D approach you to advise regarding the steps to be taken to secure exemption. एडवाइस डी अबाउट द वेरियस रेमेडीज अवेलेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट फॉर रिड्रेस ऑफिस ग्रीव्यांस वन फोर्टी थ्री थ्री रेगुलर असेसमेंट के अगेंस्ट में क्या ग्रीव्यांस रिड्रेसल है एक मिनट में आपका जवाब आ सकता है अर अरे अर, अर, अपील में जा सकते हो रिविजन में जा सकते हो रेक्टिफिकेशन कर सकते हो वन के अगेंस्ट में तीन रेमेडी अवेलेबल है मे दो में इतना चिल्लर क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है इतना चिल्लर क्वेश्चन पूछा है अपील के लिए किसके पास जाते हैं सीआईटी अपील के पास जा सकते हैं टाइम लिमिट अगर नाम नाम न याद आए तो लिख देना आ, सेसी कैन अप्रोच द सीआईटी अपील विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम गिवन इन द एक्ट बराबर है रिविजन के लिए जा सकते हो सीआईटी के पास अंडर सेक्शन 264 रिविजन के लिए जा सकते हो आप सीआईटी के पास और अगर वहां पे एरोनियस होगा आपका ऑर्डर विच इज फ्रॉम रिकॉर्ड तो उस केस में आप 154 फिफ्टी रेक्टिफिकेशन के लिए भी जा सकते हो इसका आंसर बड़ा सिंपल है appeal, revision, rectification. इतना simple है ऑर्डर ऑफ असेसमेंट एन अपील कैन बी फाइल बाईसी इवन आफ्टर इवन अगेंस्ट द इंक्लूजन इन असेसमेंट of an income erroneously included. File a revision petition under section 264 with the commissioner of income tax. File a rectification. He can file an application under 154 seeking rectification of order of assessment made. The consistent judicial view is that exemption not claimed by SSE and not allowed by the AO through the material relating thereto was an return of income constitute a mistake apparent from. रिकॉर्ड इट कैन अ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड आप कर सकते हो यहाँ पे भाई साहब आपका पूरा असेसमेंट प्रोसीजर कंप्लीट होता है अगर आप देखो तीन क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे थे जो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं थे किसी और टॉपिक से रिलेटेड थे बट उसमें असेसमेंट का पार्ट भी इंक्लूडेड था तो हमने वो नहीं किया अदरवाइज 14 क्वेश्चन में से आई गेस एक या दो आपको मैंने होमवर्क दिए हुए हैं बचे हुए ऑलमोस्ट नाइन टू टेन क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए डन सर पूरी उम्मीद कर रहा हूँ भाई साहब आपको मज़ा आ रहा होगा और अगर आ रहा होगा तो प्लीज़ यहाँ पे मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना कि सर आपको कैसा लग रहा है राइट right?